हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा गीला इसब कैसे निकाले। अगर आप इसब साफ करें, बारिश का मौसम है, गीला इसब है, ट्रैक्टर ना चल पाए, दबा दब करे, बंद होए या उड़ाए उड़ाए, जो भी हो आपको समस्या हो तो उसकी मैं पूरी पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को लास्ट एंड तक बने रहे। और अभी मेरा मशीन चल रहा है, मैं कैमरा चेंज करके आपको दिखा भी देता हूँ। मशीन चल रही है और एक आदमी डाल रहा है, इतना धीमे नहीं डाल रहा, बड़ा चौकनी भर के डाल रहा है, देख सकते हो वीडियो पे। और ये हमने आगे वाला मैंने ये खिड़की खुला रखा है, नाली में इतना खास कुछ नहीं आ रहा है। और इस बार ये थोड़ा मैं चौकनी करके निकलेगा, अभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है, इसलिए करेक्ट नहीं दिख रहा है। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये आपको दिख रही होगी सब। इसमें आपको ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के दिखेगी, ज्यादा नहीं है, कोई कोई दानों में अपना गेगरी ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। चलो आपने वीडियो देख लिया, अभी मैं पूरी आपको सेटिंग के बारे में बताऊंगा। या दोस्तों, हम गिली सब निकालने के लिए कटर जीरे वाला निकालेंगे बाहर। आपके पास 62 का 66 का कोई जो भी कटर हो लगा हुआ है, उसको हम बाहर निकालेंगे, उसके अंदर दूसरा कटर डालेंगे। कट कौन सा डालेंगे वो मैं बता दूं। आप कटर यूज़ कर सकते हो 56 धाड़ी का, 56 का आपके पास नहीं है तो 56 या 58 का होगा तो भी चलेगा, या फिर 55 का होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, 56 धाड़ी का कटर अंदर डालेंगे। हाँ, और कटर आप पत्ती से लगभग आधा इंची या आधा इंची से हल्का सा ज़्यादा 1.25 इंची तक दूरी बना के रखे, कम से कम आधा इंची दूर रखे, कटर आधा इंची दूर रखे। और आगे वाला जाली हम 2.5 नंबर लगा देंगे। 2.5 नंबर लगाने में अगर, और बाद में काम में आप इसमें स्टार्ट करें, इसमें स्टार्ट करने में आपको अगर इस सब के साथ गेगरी या टोपी वगैरह, गेगरे या टोपी जो भी बोलो, ज़्यादा आने लगे या फिर ज़्यादा आ रही हो, तो आप इससे बाहर रही वो वाली साइड नहीं, सामने वाली साइड हल्का सा टायर को गड्ढा कर दीजिए। तो गड्ढा करने में इससे एकदम मेरे ख्याल से 70% एकदम क्लियर आने लगे। अगर कई कई भाइयों कंबाइन में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, या फिर हवा में बराबर नहीं होता है, तो अगर फिर भी आपको गेगरे या मिनिया जो टोपी जो भी अगर बोलो वो आने लगे, तो एक उसका और सलूशन है, आप बड़ा वाला जाली 2 नंबर का, ऊपर वाला नहीं, 2 नंबर का बीच वाला जाली, बड़ा वाला, वो आपका 5 नंबर का या 6 नंबर का जो भी लगा वो बाहर निकाल दे। और वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 4 नंबर का जाली, अगर 4 नंबर नहीं है तो आप 4.5 नंबर लास्ट बड़े से बड़ा 4.5 नंबर का यूज़ कर दे, और छोटा 3 नंबर का अगर आपके पास जाली हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप 4 नंबर का यूज़ करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपना पहले जो भी जाली हो लगाओ, निकाल दे और 4 नंबर का जाली लगा ले, और अपना नाली है ऑटोमेटिक के अंदर कनेक्ट कर दे, फिर आप स्टार्ट करें, फिर आपको स्टार्ट कर दे गेगरी, लगभग जो भी आएगी 50% वो बड़ा वाला जाली निकाल देगा, और पीछे बच्चे की जो 50% निकाल देगी, फिर 25% गेगरी बचेगी, 25% आपका छोटा वाला जाली, और हल्की सी ढलान होगी सामने की साइड, और सामने से हवा का प्रेशर पड़ेगा तो क्लियर एकदम करेक्ट आने लगेगी। मैंने वो बड़ा वाला जाली चेंज नहीं किया, केवल एक जाली चेंज किया है छोटा वाला, फिर भी अपना ये सब लगभग एक लप भर के लेता हूँ, उसमें कोई 2-4 दाने या 10 दाने ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, इतने ही आ रहे हैं ये सब के, बाकी एकदम क्लियर आ रही है। तो किसान भाई, मैंने पूछा कि ऐसा चलेगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ इतना चल जाएगा, इसके लिए मैं ऐसे निकलाऊँ। अगर आपका भी इतना 19-20 आए तो अगर चलता है तो चलने दे, नहीं तो बड़ा वाला जाली आप निकाल के उसमें 4 नंबर का जाली लगा दे, 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें।